Hi, welcome, Mama Ved. Okay, शुरू करते हैं। क्या आपको पता है आज आप क्या करने वाले? Yes, मुझे पता है आज क्या करना है। मेरी वाट नहीं लगानी है। वो तो जो मन में आए वही बोलना है ना हमें। फिर तो today my mom is going to be reacting to my Instagram pictures. More than reacting, she's actually going to be marking me क्योंकि most 99% of my Instagram photos मेरी मम्मी ही खींचती है। Even before lockdown, mostly मम्मा ही खींचती थी। Although लॉकडाउन में हमने इंस्टाग्राम को सीरियसली लेना शुरू किया, जहाँ पे हम एक्चुअली टाइम निकालते गए, अच्छे आउटफिट्स बनाते गए, लोकेशन सोचते गए बिल्डिंग के अंदर, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इंस्टाग्राम। तो लेट्स स्टार्ट। हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सेफ शुरू करेंगे। फर्स्ट फोटो जो हम आपको नारे देख लिया मम्मी ने चीटिंग। अच्छा मुझे नहीं देखना है। नहीं, नेचुरल रिएक्शन चाहिए। फर्स्ट फोटो है ये वाला। सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि मुझे कपड़े से ये कुछ भी नहीं है। वो जो भी कपड़े डालती है, ऐसे सारे कपड़े डालना मुझे भी पसंद है। सो मैं मार्क्स दूंगी मेरी चॉइस के हिसाब से, मुझे कैसा लग रहा है। मैं 8 मार्क्स दूंगी इसको। अब ये रीजन देना है? ऑफ कोर्स रीजन देना है। 2 मार्क काटा है मेरा, इधर जान जल रहा है। बिकॉज आई थिंक कपड़ा जो भी इसमें हमने डाले है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे है, बट मुझे थोड़ा सा आई एम नॉट हैप्पी विथ दैट फेस। चेहरे पे थोड़ी सी मुझे डार्कनेस लग रही है, कपड़ों के ऊपर ज्यादा फोकस मुझे लग रहा है, एकदम ब्राइट और अच्छा समथिंग। सो दैट्स व्हाई मैं ये 2 मार्क्स काट रही हूँ और मैं 8 मार्क्स दे रही हूँ। मुझे लगा इस्त्री, लाइक द मोमेंट शी सेड कपड़े, मुझे लगा इस्त्री के लिए काटा है मार्क्स। लिटरली एवरी टाइम वी आर डूइंग अ फोटोशूट, मम्मी इज लाइक मेरी माँ, मैं इस्त्री करके देती हूँ प्लीज। एंड आई एम लाइक नहीं, कोई इस्त्री नहीं करेगा। फर्क पड़ता है ना, आप ही बोलो। इस्त्री वाले कपड़े और नॉन इस्त्री वाले क्लोथ्स, कितना फर्क पड़ता है। मेहनत वाला काम है। हाँ, तो थोड़ा करना पड़ता है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, ये फोटो तो मेरे को लगता है फुल मार्क्स मिलने के चांस है। नो, अगेन आई विल गिव यू 8 मार्क्स। ओके, कहाँ गाते गए हमारे बात। फोटो काफी अच्छी है, नो डाउट। मुझे थोड़ा सा एक छोटा सा परफेक्शन का कीड़ा है। पीछे जो हैप्पी बर्थडे लिखा है, आप ही देखो वो लेटर्स जो है वो किस सिचुएशन में है। बेचारे आधे अधूरे एक एक बोलते ना, एक हड्डी पे लटक रहे हैं। सो बाकी अदरवाइज फोटो को यस 100% 10 दे सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ आजू बाजू जो परफेक्ट जो फोटो जो लिया है, जो उसकी वजह से मैंने 2 मार्क्स काटे हैं। ओ माय गॉड, एक मैंने रिसेंटली हॉल वीडियो बनाई थी, उसमें पीछे मैंने रूम साफ नहीं किया था। एंड आई नो कि यू डोंट माइंड इट बिकॉज अपना तो चलता है, लाइक वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के रूम साफ नहीं, तो फिर भी यू डोंट जज मी। मम्मी इतनी भड़क गई द मोमेंट शी सॉ द वीडियो के पीछे टॉयलेट होल दिख रहा है, पीछे ये दिख रहा है, पीछे वो दिख रहा है, तक्के क्यों नहीं बनाए पीछे। बहुत मुझे आधे घंटे तक डांट पड़ी थी वो वीडियो के लिए कि नेक्स्ट टाइम इफ यू शूट अ वीडियो इन दिस मेस देन सी व्हाट आई विल डू वाला सीन था। देखते इस फोटो का क्या कहना होगा क्योंकि ये मम्मी ने नहीं खींची है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस फोटो? ये फोटो को मैं 10 फुल मार्क्स दूंगी। फोटो भी बहुत अच्छी खींची हुई है। पीछे जो बैकग्राउंड है, सबसे पहले वेरी नीट क्लीन, बहुत ही अच्छा है। मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, स्काई भी दिख रहा है, ट्रीज वगैरह दिख रहे हैं, वेरी क्लियर। आपको पता है किसने खींची है? यस, किसने? आरी। आरी, इफ यू वॉचिंग दिस, इफ यू नॉट वॉचिंग दिस, मैं व्हाट्सएप करने वाली हूँ तेको ये लिंक। बट वाओ, फर्स्ट फोटो दैट गॉट 10/10 बिकॉज़ यू क्लिक्ड इट। आरी इज माय वेरी वेरी गुड फ्रेंड हु इज अ वेरी प्रोफेशनल डीओपी। आई थिंक डीओपी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। ही इज अमेजिंग। आई विल आस्क इफ ही इज ओके टू लिस्ट हिज ईमेल आईडी नीचे। यू शुड डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हिम फॉर एनी प्रोजेक्ट्स इफ यू वॉन्ट बिकॉज ही इज सो गुड एट हिज वर्क। ही इज अमेजिंग। ये फोटो मैंने खुद खींची थी जब हम बाहर गांव गए थे, फोन को ऐसे ही फ्लावर वेस पे रख के। तो लेट्स सी इसको मॉम कितने मार्क्स देती है। यस, अगेन आई विल गिव यू फुल मार्क्स 10 बिकॉज मुझे यस बैकग्राउंड जितना हमारा फोटो के ऊपर फोकस होना चाहिए उतना ही अच्छा बैकग्राउंड, तो इसमें बैकग्राउंड भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। व्हाइट स्ट्राइप्स, मुझे वैसे भी स्ट्राइप्स बहुत ही पसंद है। सो ग्रीन, व्हाइट स्ट्राइप्स, पिंक शूज, सो वेरी नाइस। सो फुल मार्क्स। इफ यू नोटिस, मैंने शैडो भी एकदम मेरे पैर के सेंटर में आ रहा है। यस यस, इतना परफेक्शन। वाह, सो ये तो फुल परफेक्शन के साथ में, तो इसको तो देना ही है फुल मार्क्स। इसमें इस फोटो के बाद मम्मी बोलेगी ये मेरी बेटी है। इट्स अ वेरी 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 रैंडम फोटो जो मेरे को नहीं पता मम्मा क्या बोलेंगे। तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी वॉट शी थिंक्स ऑफ दिस फोटो। Ha ha ha.
मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या रिएक्ट करूँ. अच्छी फोटो, नॉर्मल फोटो है, सो इसमें मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी क्या रखूँ. समथिंग थोड़ा सा बोल सकते दैट टंगलर एंड समथिंग, वो जो इसमें दिख रही है, बट वो अभी खींची वॉशरूम में है तो डेफिनेटली वो दिखने ही वाली है. अभी इसमें रीजन मत पूछना क्या मैं कितना मार्क्स काट रही तो क्यों काट रही हूँ. आई थिंक 7 मिलेगा. नहीं 7 6 देना था और प्यार से 7 दे दिया ना. थोड़ा अभी स्कैंडलस वाले फोटो ढूंढते हैं, ठीक है. व्हाट डू थिंक ऑफ दिस फोटो? बैकग्राउंड पे प्लीज कमेंट मत करना कि मैसी है. मेरे आउटफिट का आपका क्या कहना है? आउटफिट अच्छा है, लेकिन बैकग्राउंड के लिए अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं 8 मार्क्स तक काट सकती हूँ बैकग्राउंड के लिए. बैकग्राउंड में एक चीज बहुत अच्छी दिख रही है जो पीछे बोतल है. अगर सिर्फ फोटो को मार्क्स देना है तो यस आई विल गिव यू 9 out of 10. फोटो काफी अच्छी है बट जो लेग्स जो दिख रहे हैं वो मुझे पता नहीं क्यों बॉडी के कंपेयर में ज्यादा पतले दिख रहे हैं. तो मे बी वो एंगल या कुछ पता नहीं है, एंगल का ही होगा. जैसे वो बोल रही चीटिंग करवा रही. ओवरऑल मुझे सिर्फ अगर फोटो को देखना है देन आई विल गिव यू 9. तो ये चीज थी कि अ फ्यू डेज अगो मम्मी मेरे को आगे बोलती है कि मम्मी भी इंस्टाग्राम पे है, शी इज वेरी एक्टिव. ओके, तो मम्मी सेड मैंने कोमल पांडे का अकाउंट देखा एंड आई पर्सनली थॉट शी विल नॉट लाइक इट. फॉर सम रीजन आई जस्ट थॉट शी विल नॉट लाइक इट एंड आई सेड क्या थॉट्स है आपके. एंड मुझे आके बोलते हैं कि आई लव हर कॉन्फिडेंस एंड आई वॉज लाइक वॉट मम्मी आई यू शोर यू सीन हर ओल अकाउंट. शी इज लाइक या आई लव हर कॉन्फिडेंस बिकॉज दैट्स वॉट आई थिंक ऑल्सो. बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मम्मी भी इतना एक्सेप्ट कर लेंगे. एंड yeah, she shocked me very positively that she's open to it. Open to rehna hi hai. Ek cheez sirf yahan pe kehna chahti hu ki yes, main bahut bahut change ho gayi hu. काफ़ी उसको सपोर्ट करने लगी हूँ, उसका कॉन्फिडेंस लेवल और आप सब लोगों का प्यार जो आप दे रहे हो वो सब चीज़ देख के. तो हमारी बहुत एक ख्वाहिश है कि मदर डॉटर रिलेशनशिप. बिफोर आई वॉज लाइक मेरा नेचर क्या था, मैंने मेरे खुद में क्या चेंजेस लाए एंड आई एम हैप्पी. जो भी चेंजेस मैं लाई हूँ उससे मैं काफ़ी हैप्पी हूँ. तो हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में मैं थोड़ा सा हम लोग एक सीरीज बनाना चाहते हैं. अभी आप कॉमेंट में लिख के भेजिए कि आपको देखना है, देन वी विल डेफिनेटली शूट दैट सीरीज रिलेशनशिप विथ मॉम एंड डॉटर. या और बहुत बोलना चाहती हूँ पर फिर ये वीडियो के टॉपिक से अपन हट जाएंगे तो वो वीडियो आप बताना देखने होंगे तो वी विल मेक इट. Okay, coming to open outfits, I have one which I know, मुझे पता है इसका क्या रिएक्शन आएगा क्योंकि फोटो अपलोड करते से मुझे आ गया था. But here we go again. You won't believe, Insta के इसके सारे pictures मुझे बहुत पसंद आते हैं. वैसे एक सिर्फ यही फोटो है, only this photo. आई डोंट नो वाई मैंने ही खींची बट मुझे बहुत कम पसंद है. सो अभी रीजन तो मैं नहीं दूंगी इसमें. क्यों रीजन क्यों नहीं देना है भाई, देना है. मम्मी को शर्म आ रही है बोलने में, पता है रीजन की. या आई एम नॉट कम्फर्टेबल उसमें जो आई डोंट नो बट मैं ये फोटो को सम हाउ आई विल गिव यू ओनली आई एम रियली सॉरी बट आई विल गिव यू 4 मार्क्स. रीजन नहीं बता. नहीं अच्छा है 4 दिया, नहीं तो मैं आई थिंक 2 से ही चाहती. So 4 is fine. So just to clarify, the outfit is not the issue. Yes. जो पेट वेट दिख रहा है, जो शॉर्ट है वो इशू नहीं है. I'll tell you what the issue was. के जो मेरे को भी बोलने में शर्म आ रही है. The nipple, that is visible a little bit because I don't know what happened, but even though the bra was there, probably the bra has worn out. पर्सनली मैं निकी एंड गैबी को काफ़ी फॉलो करती हूँ बहुत सालों से. एंड निकी इज़ वेरी ओपन अबाउट नॉट वेयरिंग अ ब्रा एंड ऐसे ही फोटोज़ खींचना. एंड दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस कि हाँ यार, लाइक इफ़ मेन का इज़ ओके वाई नॉट वेमेन का बींग ओके. सो ये जानबूझ के मैंने ऐसा नहीं क्लिक किया था, बट इवन वेन आई सॉ कि ऐसा दिख रहा है मेरे को शर्म नहीं आई कि ओ माई गॉड क्या हो गया. आई वाज लाइक ओके it's okay and I did not delete it. So thank you Nikki if you ever watch this video. बहुत confidence मिला है मुझे. यार मेरे पास और कुछ खास scandalous photo तो नहीं है. ये वाली I think this was one of my most popular Instagram posts आजकल में. What do you think of my legs in this photo? I will give you here 9.5. okay, सिर्फ आधा marks काट रही हूँ मैं. ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही है. आउटफिट कलर कॉम्बिनेशन वेरी नाइस. जो ये साइड पे जो सिर्फ जो दो स्टेप दिख रहे हैं
वो थोड़े से क्लीन नहीं अच्छे लग रहे, वो अभी मैं टेरेस भी साफ करते बैठूं। नहीं मैं ये नहीं बोल रही, मुझे अभी मार्क्स देने हैं ना, मैंने कहा बोला ये साफ करो कुछ भी। When we usually click photos, हम एक ही लुक में एटलीस्ट 200-300 फोटोज लेते हैं एंड फॉर सेफ्टी ले ही लेते हैं, क्योंकि फिर जब बाद में देखते हैं ना फोटोज तो अलग नजरिए से देखते हैं। टोटल कितने हैं? वो मैंने भी नहीं सोचा है, बट आई हैव टू शो यू फोटोज। व्हाट डू यू थिंक ऑफ, बता भी दे, फोटो अच्छी है। सो नेचुरल फोटो के हिसाब से इसको मैं फुल मार्क्स भी देना चाहती हूँ, 10 out of 10। लाइक इसमें ये नहीं है कि बैकग्राउंड वगैरह, ये बातचीत करते हुए नेचुरल स्माइल, इसमें मैं फुल मार्क्स देती हूँ। और फोटोज डालो मतलब कुमार के साथ, ठीक है एक डाल दो सिर्फ एक। ओके ये फोटो का क्या कहना है? फुल मार्क, बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छी है, बिल्डिंग स्काई दिख रहे हैं, इवन कलर कॉम्बिनेशन, दैट पर्स एंड ड्रेस का 10 फुल मार्क्स। अरे वाह, ऐसा लग रहा ना कि कोई ग्रीस वीस टाइप जगह पे की, पीछे बिल्डिंग्स भी ऐसे। व्हाट डू यू थिंक ऑफ, आई विल थिंक व्हेन, जब फोटो दिखाओगे। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस फोटो? वेरी नाइस, इसको देते हैं हम लोग 11 मार्क्स। ओहो ओहो 11, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी फोटो है। दैट कलर कॉम्बिनेशन, इंडिया फ्लैग कलर, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन, कम्प्लीटली स्माइल, परफेक्ट फोटो। वाह वाह, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फोटो टू बी परफेक्ट फोटो। यार मेरे पास ना और कोई रिवीलिंग वाली फोटो खास है नहीं, एंड एज यू सॉ मेरी मॉम को उससे इशू भी नहीं है। हाँ मैं डैड के साथ ये वीडियो नहीं कर सकती, मेरे में तो हिम्मत नहीं है पापा को बताने की ये फोटोज। तो बीच में कभी कभी वो देख लेते हैं ऐसे, मम्मी देखते हैं, हाँ मैं दिखाती हूँ कि आप देखो, मम्मी को ही डांट लग जाती है मैंने भी आप पे कैसे कपड़े कैसे पहन देते हो, निकल जाओ दोनों घर से बाहर निकल जाओ। ओके ही इज जोकिंग अबाउट इट, डजंट मीन इट, बट कहीं कहीं ही इज स्टिल नॉट वेरी कंफर्टेबल विद हिज डॉटर वेयरिंग दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स। तो डैड के साथ थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को ये बनाने में, बट ही इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग अ लॉट, ही इज ऑल्सो बिकम वे मोर ओपन। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस फोटो? ये फोटो जब निकाली थी इट वॉज वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट। दद्दू जब भी इधर आते हैं बहुत खुश होते हैं और हमें भी बहुत खुशी मिलती है। तो यस, ये जब आप लोगों ने आई थिंक मर्ड पे क्या समथिंग चेहरे पे लगाया था, फुल मार्क्स 10। मेरे को एक मिली है विच इवन आई एम नॉट सो श्योर अबाउट, बट ये फोटो का क्या, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस फोटो? अगेन एक्चुअली मेरी सबसे फेवरेट फोटो है ये, इंस्टा पे मुझे मिली कि ये फोटो बहुत अच्छी लगती है। सो यस अगेन 10 में से देने हैं सो फुल मार्क्स, अदरवाइज इसको जितने भी है लगभग 11 आप जो भी बोलोगे उतना फुल मार्क्स में दूंगी। बेसिकली मुझे कपड़ों का ये नहीं है, मुझे खुद को भी ये बहुत पसंद है, ऐसे तैयार होना है एवरीथिंग, आप जो भी देखोगे पीछे बैकग्राउंड स्काई ट्री परफेक्ट, एकदम कम्प्लीटली परफेक्ट फोटो है ये मेरे लिए। ये किसने खींची बताए? यस आई थिंक मृदुल, हाँ मृदुल शर्मा ने खींची है। दिस वाज आवर फर्स्ट ट्रिप टुगेदर, सो व्हाई आई वाज डाउटफुल अबाउट द फोटो वाज, कैन यू सी मेरे हाथ में क्या है? बियर आई थिंक कोरोना। हाँ तो दिस ट्रिप वॉज एक्चुअली स्पॉन्सर्ड बाय कोरोना ओनली, हम उनके साथ ही गए थे, एंड दिस फोटो एक्चुअली चोजन जानबूझ के टू शेयर विथ यू गाइज। आई डिडंट नो कि मॉम कैमरा पे भी इतने कंफर्टेबल होंगे इस बारे में बात करने में, बट माई पेरेंट्स आर एक्चुअली वेरी ओपन अबाउट ड्रिंकिंग, एज इन नॉट रेगुलर ड्रिंकिंग के हर हफ्ते जाके यू नो क्लब में टली हो क्या, नॉट लाइक दैट। एक तो मुझे खुद को ड्रिंकिंग पसंद है नहीं, लाइक ईयर में एक मैक्स टू टाइम्स मे बी, उसमें से एक बार तो इनके साथ ही रहता है, कभी अगर फैमिली गैदरिंग है तो आई हैव लाइक अ ग्लास ऑफ वाइन और समथिंग, या कभी बियर इफ आई एम इन द मूड फॉर इट। तो बिकॉज दे आर सो ओपन आई एम एबल टू टेल देम कि हे आई एम गोइंग, माई लाइक अ फ्यू ड्रिंक्स माइट बी इन्वॉल्व, तो मैं कार नहीं लेके जा रही हूँ, ये पर्सन ड्राइव करेगा जो ड्रिंक नहीं करने वाला। तो रियली 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 अप्रिशिएट माई पेरेंट्स बींग लाइक दैट। हाउ एवर ये ऐसा नहीं था जब मैं कॉलेज में थी, क्योंकि कॉलेज में आई वॉज अंडर 18, इट वॉज नॉट अ सेफ टाइम ट्रेन से जाना ट्रेन से आना, तो देव हैड देयर बाउंड्रीज कि वेन एवर इट्स द राइट टाइम फॉर समथिंग एट दैट टाइम दे हैव अलाउड मी फॉर दोज थिंग्स। तो या बस ये बताना था, ये स्टोरी बताना था मिनी वाला। अभी लास्ट फोटो, ठीक है, आई वॉन्टेड टू शो यू वन फोटो जस्ट विथ मॉम, लेकिन आई थिंक शी विल लाइक दिस फोटो बिकॉज आई थिंक दिस इज हर फोन वॉलपेपर। यस ये मैंने वॉलपेपर रखा है मेरे फ़ोन पे,
ये बहुत ही अच्छी फोटो है। हम लोग वेकेशन पे गए थे और हम तीनों ने कस्टमाइज टी शर्ट बनवाई थी आई थिंक, नहीं right? ये ऑनलाइन ही ली। अच्छा ऑनलाइन ली थी, ओके ओके। फिर हमने यही टी शर्ट दद्दू को भी पहना के साथ में फोटो खींची है हमने, अगेन इसको भी फुल मार्क, परफेक्ट पिक्चर। सो दद्दू ने खींची है ये फोटो। यस हाँ, हमारे पास थे तीन ही टी शर्ट, चार होते तो दद्दू के साथ चारों खींचते, बट देन एज मॉम सेड वी चेंज्ड इट, बट दिस वाज माय मॉम रिएक्टिंग एंड गिविंग मी मार्क्स ऑन माय इंस्टाग्राम फोटोज। प्लीज डैड के साथ ये अभी रिक्वेस्ट मत करना, थोड़े टाइम बाद करेंगे, जस्ट गिव मी सम मोर टाइम टू प्रिपेयर हिम। बट इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो यू नो वॉट टू डू, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल, लेट मी नो इफ यू वॉन्ट अ पार्ट टू और आर रिलेशनशिप वाला सीरीज, एंड इफ यू डिड नॉट एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो गिव इट अ थम्स डाउन, एंड दैट्स ओके टू बिकॉज वी वॉन्ट अर ऑनेस्ट ओपिनियन। आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून, अंटिल देन गुड बाय।